अनंत श्री विभूषित जगत रचनी वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्ध जन, योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात, मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करें। जय राम,
राम जय राम जय जय के किनारे कथा का श्रवण हो रहा था सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को। एक संवाद जो मुख्य संवाद है भागवत का, सुखदेव और परीक्षित का। परीक्षित जी महाराज पांडव वंश में बहुत छोटी उम्र में ही जब पांडव उत्तराखंड को चले गए इन्हें राज्य सौंपकर, तब इन्हें राज्य संभालना पड़ा। एक बार ये जंगल में भ्रमण करने गए तो एक दृश्य देखा कि काला पुरुष एक बैल को मार रहा है और बैल को मारते मारते उसकी तीन टांगे तोड़ दी हैं, एक पर बैल खड़ा और ये उसे भी तोड़ने की कोशिश में है। राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा तो बाण चढ़ा लिया धनुष पर इस काले पुरुष को मारने के लिए। ये काला पुरुष है कलयुग और बैल है धर्म। कलयुग का काम है धर्म को पीड़ित करना, परेशान करना और समाप्त करने की कोशिश करना। जब परीक्षित ने स्वर कम कर जब परीक्षित ने बाण तान लिया तो ये चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित भी धर्म का ही स्वरूप है क्योंकि वो धर्म से लबालब भरा हुआ है।
जब वो साक्षात धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है तो फिर परीक्षित पर हावी क्यों नहीं हुआ? परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। जैसे बैल पर हावी हो रहा था, इसी प्रकार इस कलयुग को परीक्षित पर भी हावी हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां चरणों में गिर पड़ा। इधर भी धर्म है और जो बैल था वह भी धर्म है। जो बैल है ना, वह धर्म तो है, लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। और परीक्षित गर्भ से ही परमात्मा से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, इसमें भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। हम अच्छे परीक्षा में जब प्रश्नों के उत्तर लिख के आएंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही, इसमें बीच में किसी और को लाने की जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है। हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, एक और कम करो, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे लेकिन उत्तर हमें अपने आप नंबर देने में समर्थ नहीं है। उसे तो कोई टीचर ही, कोई जांचने वाला ही जांच करके नंबर देगा। ऐसी हमारा प्रत्येक कर्म जड़ है, जड़ हमें फल देने में समर्थ नहीं है। उसका फल देने के लिए तो परमात्मा का बीच में सहारा लेना ही पड़ेगा। ये जो बैल है, धर्म तो है लेकिन परमात्मा से संयुक्त नहीं है, इसलिए इस पर कलयुग हावी है। लेकिन जैसे परीक्षित आए, ये परीक्षित क्या है जरा इसको भी मैं खोलूं। इस धरती पर लोग पूरे जीवन प्रयास करते हैं कि अंतिम समय पर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, पूरे जीवन इसका अभ्यास करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अंतराम कहे आवत नहीं, अंतिम में फिर भी नहीं आ पाता। लेकिन उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे हम, क्या सोचेंगे कि जिसने जन्म भी नहीं लिया, अभी मरण की तो बात दूर, और उसे परमात्मा का दर्शन हो गया। ऐसा व्यक्तित्व है परीक्षित। जब ये अपनी मां के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था मारने के लिए गर्भ में, लेकिन वहीं पर परमात्मा ने प्रकट होकर के अंदर ही इन्हें दर्शन दिया। और जब ये जन्मे तो जन्मते ही बैठ गए और बैठ करके ऐसे हाथ लगा लिया और चारों तरफ देखने लगे। उस समय बच्चा किसी चेतना में नहीं होता, लेकिन ये चेतना से ही प्रकट हुए थे। हाथ लगा लिया और चारों तरफ देखने लगे। लोगों ने देखा कि ये बच्चा ऐसे क्या कर रहा है। तब वहां कुछ ऋषि मुनि जो थे उन्होंने बताया कि इसे किसी का दर्शन हुआ है, उसका ईक्षण कर रहा है, उसको देख रहा है, उसे खोज रहा है। ईक्षण खोजना, उसे खोज रहा है, ढूंढ रहा है, इसीलिए इनका नाम ईक्षण से ही परीक्षित पड़ गया।
जो परमात्मा को निरंतर जन्म लेते ही खोजने में लग जाए वही तो परीक्षित है। वैसे हम सब लोग जन्म लेते ही उसे खोजने के मूड में रहते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और उस आनंद की खोज में ही तो हम हैं। तो ये परीक्षित का व्यक्तित्व है, ये परमात्मा से जन्म से पहले से ही जुड़े हुए हैं। जहां प्रसाद चढ़ाया जा रहा है वहां कोई भगवान की फोटो तो रखो, तो व्यक्ति धर्म भी है और परमात्मा से संयुक्त है। इसलिए परीक्षित के चरणों में कलयुग आकर के लेट गया, गिरा। जबकि बैल पर हावी हो रहा था ये कलयुग। परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये मेरा काम है। बोले मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा, ये राज्य मेरा है। बोले राजा के राज्य में तो भले और बुरे दोनों का गुजारा होता है, मेरा भी तो गुजारा होना चाहिए। बोले नहीं, मैं अपने राज्य में अराजकता नहीं फैलने दूंगा। बोले तो मेरा गुजारा कहां होगा? मुझे कोई जगह बताओ। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें चार जगह दे रहा हूं। अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानं स्त्रियं सूना यत्र धर्मश्चतुर्विदः। बोले मैं चार जगह तुम्हें दे रहा हूं, जहां पर ताश होते हो, जुआ होता हो, चौपर होती हो, वहां तुम शौक से रहना। जहां ताश और जुआ या चौपर कहीं होती हो वहां आपको बिना किसी मतलब के कलेश मिलेगा। लेना एकन देना दो और कलेश मिलेगा। जिस जगह पे होता होगा वहां भी, और जो खेलते होंगे उनके घरों में भी, क्योंकि वहां कलयुग का निवास है। परीक्षित उन्हें जगह दे करके गए हैं। जैसे विदेशी कंपनियों ने पेटेंट ले रखे हैं ना, ऐसे ही इस कलयुग ने इन चार जगहों का पेटेंट ले रखा है कि यहां पर मैं पूरी तरह मेरा राज्य रहेगा। पहली जगह ताश, जुआ, चौपर। दूसरी जगह है जहां का आहार गलत होगा, वहां भी आहार। यहां तो चर्चा की गई है केवल खान पान के लिए, लेकिन आहार का मतलब होता है जो भी कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, देखना भी, सुनना भी, खाना भी, ये सब आहार है। ये यदि गलत है तो
कलयुग आएगा ही और रहेगा ही। तीसरी जगह है जहां नारियां अमर्यादित रहती हैं, और चौथी जगह है जहां पर हिंसा होती है। ये चार जगह परीक्षित ने अलॉट की, किंतु कलयुग ने कहा कि ये चार जगह से मेरा गुजारा नहीं होगा, तो बोले एक जगह और दे दो। बताइए, बोले सोना स्वर्ण। पांचवी जगह कलयुग ने स्वयं मांग ली। कलयुग का काम है लूटपाट कराना, भयभीत करना, चिंतित करना, परेशान करना। अब इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिस माता के पास में सोना चांदी ज्यादा लदा हुआ होगा उसके पास में अपने आप भय, चिंताएं, लूटपाट अपने आप आकर्षित होंगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भय तो अपने आप हो गया, लदा हुआ है हमारे ऊपर सोना तो, और लूट को तो आकर्षित करेगा ही। तो पांचवी जगह ये मांगी स्वयं कलयुग ने। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज अपने बाप दादाओं के जो सोने चांदी के मुकुट थे उनमें से एक मुकुट पहन लिया और वहीं बैठने का मौका मिल गया कलयुग को, तो खोपड़ी में ही बैठ गया आकर के। और जब कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है तो फिर खोपड़ी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी, फिर बदल जाती है। कलयुग को आपकी आधुनिक भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझो कि आपके मोबाइल में वायरस आ गए हो, और जब वायरस आ जाते हैं तो मोबाइल फिर हमारे इशारों पर नहीं चलता, फिर अपने हिसाब से चलता है वो। हम दबाते कुछ और हैं और उसमें डायल कुछ और होता है, हम करते कुछ और होता है, और कभी कभी तो वो हैंग होना चालू हो जाता है, कभी कभी हैंग होना चालू हो जाता है, बटन नहीं मानता। तो ऐसे ही हमारी खोपड़ी जब हमारे अनुसार न चले, कभी कभी आपको लगता होगा कि बिना ही बातें मूड खराब हो रहा है, पता नहीं कोई बात तो है नहीं, मूड सही नहीं है मेरा, कि फिर लोग पूछे किसी ने कुछ कहा, बोले नहीं तो भाई कोई बात होगी, बोले नहीं तो फिर मूड खराब क्यों। वो कहीं ना कहीं से कलयुग का प्रभाव हो रहा है, तो वो मोबाइल है ना, ये वाला मोबाइल, वो हैंग हो रहा है, है? वो काम नहीं कर रहा सही सही, और बिना बात गुस्सा आ रहा है। बहुत सी माताएं तो ऐसी हैं कि बिना बात गुस्सा आएगा तो कुछ नहीं, बालक ट्यूशन कोचिंग करके आया, छोटा बच्चा है, स्कूल से आया और धर दिए दो खींच करके, कोई पूछ रहा क्यों, पता नहीं गुस्सा आ रहा था, बोले इसी पर उतार लूं और कहां जाऊं अब। कलयुग का प्रभाव, ऐसे समय पर आदमी को अकेला हो जाना चाहिए और उसको देखे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कलयुग सवार हुआ और वो जंगल में चल पड़े। परीक्षित जी महाराज एक ऋषि के आश्रम पर गए और ऋषि के आश्रम पर देखा कि एक संत जो है ऋषि ध्यान में बैठे हैं। यदि ये वायरस न आया होता कलयुग का तो परीक्षित जी माथा टेकते बैठते, क्योंकि उनके खानदान में ऐसा ही होता आया, शीश नवाए सुर गुरु द्विज देखी। लेकिन आज क्या बुद्धि उल्टी होने लगी, बोले अरे ये 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 क्या हो रहा है, ये महात्मा मेरे राज्य में रहता है, मेरी पब्लिक है, मेरी प्रजा है, और मेरे सामने इसकी इतनी हिम्मत के बेटा का बेटा रह गया है, ये खड़ा भी नहीं होता, मेरा आदर स्वागत सम्मान नहीं करता ये।
ये क्यों प्रति बन रही है? क्योंकि जब कलयुग बैठता है सिर पर खोपड़ी में और जब ये वायरस आता है तब आदमी के अंदर बड़ों से भी सम्मान पाने की इच्छा पैदा हो जाती है, बड़ों से भी पूजनीय व्यक्तियों से भी सम्मान पाने की इच्छा पैदा हो जाए तो समझना कलयुग का प्रभाव हो गया है। आपने गांव में देखा होगा कि कोई बालक जा रहा है, कोई बड़ा बूढ़ा राम राम कर दे उल्टा तो वो शर्म के मारे मर जाता है और वो जाकर के पांव छूता है और आगे से ध्यान रखता है पहले ही राम राम करने के, है ना। लेकिन कब, जब वो सभ्य है, अच्छे खानदान का है, अच्छा व्यक्ति है तो। और यदि कलयुग सिर पर सवार होगा तो कऊ बड़े ने राम राम कर दे तो वो ले लेगो और एठे और जागो, देखो ऐसे ऐसे तो हमें राम राम कर रहे हैं, हाँ हाँ देखो ऐसे ऐसे तो हमें राम राम कर रहे हैं। यदि ये सम्मान बड़ों से पाया हुआ जो विनाश करता है वो मीठा लगने लगे तो समझना मामला गड़बड़ है। सर्पडस्यो ताहि जानियो जो नीम स्वाद सोखाय। सर्पडस्यो ताहि जानियो जो नीम स्वाद सोखाय। कर्मडस्यो ताहि जानियो जिसे हरि चर्चान सुहाय। कर्मडस्यो ताहि जानियो जिसे हरि चर्चान सुहाय। ऐसी भावना आ गई कि ये मुझे ऋषि उठकर के स्वागत नहीं कर रहा, ये दंड का अधिकारी है। परीक्षित महाराज ने उठा करके एक मरा हुआ सर्प था वहां वो गले में डाल दिया अपमानित करने के लिए और चले आए। पीछे से ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने आकर के अपमान देखा और बहुत उतावलेपन में शाप दे दिया, किसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से सातवें दिन तक्षक नाग डस लेगा, जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये शाप जैसे ही सुना ऋषि की आंखें खुली और कहा बेटा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे उसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ये अपमान किया, मैं कैसे झेलता पिताश्री। तो शमीक ऋषि ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बेटा कभी कभी अच्छे लोगों के जीवन में भी तूफान जब आता है तो वो स्थायी नहीं होता, उसे तूफान के शांत होने का इंतजार करना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। वो राजा बड़ा अच्छा है, किसी कारण से ऐसी बुद्धि बन गई होगी, लेकिन अब वो स्वयं ही पछता रहा होगा। यदि किसी अपराधी को अपने प्यारे संबंधों में आपका कोई प्यारा है और वो आपसे उल्टा सीधा बोल जाए कह जाए और आप प्रति उत्तर न दो
तो आपकी बेरुखी ही उसके लिए सजा बन जाएगी, आपकी बेरुखी ही उसके लिए सजा बन जाएगी। यूं खामोश रहकर मुझको सजा न दो, यूं खामोश रहकर मुझको सजा न दो, मेरी खता क्या है ये मुझे बता तो दो। आप ऐसे ही बेरुख हो गए तो सजा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हमारे घर में कोई हमारा बड़ो मुखिया हो और वह हमसे किसी बात पर रूठ जाए तो वो बोले नहीं, बस जब मर वो है जाओ, और जब तक नहीं बोलेगा तब तक सजा ही सजा है। उससे बढ़िया तो वो डांट ले, फटकार ले, कुछ कह दे तो कम से कम हल्के तो हो जा। श्रृंगी बेटा, तूने जो साप दे दिया ना उसे, ये गलत कर दिया। बड़ा धर्मात्मा राजा है वो, ऐसा है नहीं जैसा तुमने उन्हें साप दिया। अब क्या करें? बोले उसके कल्याण के लिए कोई मार्ग उसे बताना चाहिए। तब स्वयं ये ऋषि वहां गए और उन्हें बताया कि तुम्हें साप दे दिया गया है, तुम्हें अपने कल्याण की कोई व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वैसे जैसे ही मुकुट उतारा था ना परीक्षित ने, वैसे ही बात समझ में आने लगी थी। आप सब इससे परिचित हो कि कभी कभी मूड खराब हो जाए तो आप न जाने किससे क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन जब वो मूड ठीक होता है तब पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने अपने बाप से क्या क्या कह दिया, मैंने अपनी माँ से क्या क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो क्या हुआ, वो मुकुट उतार के रख दिया ना, तो बात समझ में आने लगी। परीक्षित जी को पता लगा कि मुझसे गलती हुई और मुझे दंड भी मिल गया, अब मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। बस उन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और वो चल पड़े गंगा की ओर। उस समय भारत के उस समय जो पांडवों की जो राजधानी थी, जिसके वो राजा थे परीक्षित, वो थी दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। तो उस राज्य को छोड़कर के परीक्षित जी हरिद्वार की तरफ चले, लेकिन हरिद्वार भी नहीं गए, बीच में मुजफ्फरनगर पड़ता है, वहां से मुड़े और वहां से 20-25 किलोमीटर के आसपास एक जगह पड़ती है शुक्रताल, जहां गंगा जी बहती है, बस वहां चले गए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि परीक्षित जी को कल्याण के लिए जाना ही था तो वृंदावन नजदीक पड़ता है, गोवर्धन नजदीक पड़ता है, वहां संत महात्मा भगवान की लीला स्थली, वहां क्यों नहीं आ गए? अच्छा चलो उधर ही जाना था तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते तो हरिद्वार पड़ता है, संतों की भूमि है। न इधर गए न उधर गए, बीच में यहां एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे वो जाके बैठ गए। प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया, न इधर आए न उधर गए, बीच में इस जगह पे क्यों गए? इसका एक कारण है। यदि हमें सोने की चांदी की और पीतल की तांबे की परख न हो तो हम भले ही उसकी खदान में रहें, हमें कोई फायदा नहीं होगा। और हमें यदि परख हो तो हमें लाभ होगा। ऐसे ही संतों के गढ़ में चले जाएं, संतों की खान में चले जाएं हम, जहां ऋषि मुनि संत महात्मा रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनको समझने की, जानने की, पहचानने की क्षमता नहीं है, तो हम संतों में भी संत देख नहीं पाएंगे, संतों में भी हमें संतत्व मिलेगा नहीं, क्योंकि दृष्टि नहीं है। तो भले ही फिर हम वृंदावन रहें,
आप लोगों ने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत सालों तक संतों के पास रहे, लेकिन उनसे कोई बात करे तो एक ही बात कहेंगे, अरे कोई ढंको सो संत मिलो नहीं, कोई ढंको सो संत मिलो नहीं। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सपेरों में भी उन्हें संत दिखाई देंगे, भिखारियों में भी संत दिखाई देंगे, भिकमंगों में भी संत दिखाई देंगे, और कुछ इनसे भी ऊपर होंगे जिन्हें इन सब में संतन महात्मा ही नहीं, इन सब में बहुतों को तो परमात्मा दिखाई देता है। ये भाव की जितनी उच्च कोटि की दशा होगी वह उतना ही विकास कर जाएगा। और इससे भी एक ऊपर की दशा है, क्या? यदि हमारे अंदर बहुत भाव है संतों के प्रति, महात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति बहुत भाव है, बहुत प्रेम है, तो हमें संतों को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए तीर्थों में नहीं जाना पड़ेगा। हम जहां बैठ जाएंगे ढूंढते ढूंढते संत हमारे पास स्वयं चल करके आएंगे कि मैं तेरे से कुछ कहने आया हूं, मैं तुमसे कुछ बोलने आया हूं। परीक्षित जी महाराज न हरिद्वार गए, न गोवर्धन, न मथुरा, न वृंदावन, न काशी, कहीं नहीं गए, एक अलग जगह पे गए, लेकिन उनकी पुकार में इतनी दम थी। आए मिलन सिद्ध होनियानी, आए मिलन सिद्ध से मिलने के लिए आए। क्यों? क्योंकि भाव की दशा इतनी उच्च लेवल की थी, उत्कृष्ट थी, कि जहां जहां मुनि संत महात्मा थे इन्होंने भाव से खींच लिए। दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, कोई महात्मा आपको याद करे और कोई सेवा सौंपे तो समझना बड़ी कृपा है परमात्मा की। याद करके बुलाए या सेवा की कहे कि तुम ऐसा कर लेना, अथवा अचानक कोई दरवाजे पर आकर के कहे भैया हमें भूख लगी है, तो समझना परमात्मा की बड़ी कृपा है। आपने देखा होगा कि गांव बहुत बड़ा होता है लेकिन ज्यादातर महात्मा, संत, भिखारी किसी एक ही घर पर टकराते हैं आकर के। कई गांवों में आपने अनुभव किया हो, गांव बहुत बड़ा होता है लेकिन कोई दो चार घर ही ऐसे होते हैं जहां संत टकराएंगे, कोई महात्मा टकराएंगे, हैं, कोई कोई भिक्षुक टकराएंगे वहां। भाई गांव इतना बड़ा है। अच्छा जी, गांव इतना बड़ा है, वो किसी कोने से घुसे थे तो घर तो वहां भी थे, मकान वहां भी थे, लोग भी थे, यहां आकर के टकरा रहे। इधर इस कोने पे हमारा मकान है, उधर से चले आए। कारण, परमात्मा ने हमें चुना है, हमारे भाव ने इन इन विभूतियों को, इन बुद्धों को आकर्षित किया है, तभी ऐसा होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। तो जब कोई व्यक्ति हमारे यहां आकर के कहे कि भूख लगी है तो खुशी के मारे उछल पड़ना, कितना सुंदर मौका परमात्मा ने दिया है। अथवा कोई साधु
तुमसे बुला करके सेवा सौंपे कि तुम ये कर लेना, भले ही सामर्थ्य न हो तो भी कोशिश करना। कोशिश करेंगे तो वह सामर्थ्य फिर परमात्मा हमें प्रदान कर देगा। भैयाओ परीक्षित जी महाराज न वृंदावन गए न हरिद्वार, बीच में गंगा के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे। ये गंगा क्या है, ये बरगद का पेड़ क्या है? ये बरगद का पेड़ है विश्वास, जो विश्वास की छत्र छाया में बैठेगा उसके पास चलकर के महात्मा स्वयं आएंगे। और जो विश्वास से अलग यानी शंकाओं में संदेहों में शकीला व्यक्ति होगा उसके यहां होगा भी न परमात्मा या महात्मा, वो किनारा कर जाएगा। और गंगा क्या है, ये कथा ही गंगा है। इस कथा को भागीरथ इस धरती पर लाए, उससे न जाने कितने हमारे पूर्वज तर गए, तर रहे हैं और तरते रहेंगे। लेकिन जो भागीरथ जिस गंगा को लाए थे वो गंगा एक ही जगह बहती है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इधर उधर नहीं जाती। लेकिन हमारे महापुरुषों ने एक दूसरी ये गंगा बनाई कथा की, जो एक ही जगह नहीं बहती, जो अमलखेड़ा में भी बहती है, कभी आगरा में बहती है तो कभी पंजाब में, कभी कहीं, यानी जहां जहां इसकी जरूरत है वहां स्वयं चल करके जाती है। लेकिन इसे लाने वाले जैसे हमारे इस समय यजमान बने हैं, ये इस गंगा को लेकर के आए हैं। इन्होंने इस गंगा को जब ये सेवरा में कथा हुई थी, विचार बनाया था तब आश्रम पे कथा हुई तो इस माँ को निमंत्रण दिया, फिर माहौल बनाया। अभी नजदीक में राजस्थान में बह रही थी, फिर वहां गए, फिर वहां से लेकर के आए। गंगा को लाने वाला भागीरथ न जाने कितने पूर्वजों की अस्थियां उसमें डाली जाती है, उनका कल्याण करती है उसके कारण, भागीरथ जी के कारण। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूंगा, वो गंगा पापों को नष्ट करती है, लेकिन इस गंगा में उस गंगा में बड़ा अंतर है। वो गंगा पापों को नष्ट करती है लेकिन पाप करने वाली जो वृत्तियां हैं ना उसमें कोई हेर फेर नहीं करती। लेकिन ये जो कथा की गंगा है ना, ये पापों को तो नष्ट करती ही है, लेकिन पाप करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं है, उनको जड़ से खत्म करने की चेष्टा करती है। अब पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह खत्म न हुई तो हम एक आध लाख बार गंगा नहाए, करोड़ों बार गंगा नहाए, वो झोंके क्यों हमें दिखाई देगा। कुंजर के स्नान की तरह, हाथी गंगा में नहा के आता है, बाहर निकलते ही धूल डाल लेता है फिर दोबारा से। ये धूल डालने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए तो गंगा स्नान काफी लंबा चलेगा। है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
बहुत से लोग कहते हैं, अरे वही कथाएं भवन कई बार सुन ले, और का सुने बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही। जो ऐसा कहते हैं ना, समझ लो उनके भाग फूट गए हैं। जो ऐसा समझ बैठे हैं कि गंगा बार बार नहाए तो वही गंगा है, वही गंगा है, ना ना, उन्होंने समझा ही नहीं। इस धरती पर कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो गंगा जी में पहली बार डुबकी लगाई थी उस जल में दोबारा नहा के दिखा दे। गंगा की धारा पुरानी है, लेकिन आपने जब डुबकी लगाई वो पानी तो बह गया, दूसरी बार डुबकी लगाओगे तो पानी नया ही होगा, पानी ताजा ही होगा, दूसरा ही होगा। यदि वाकई कथा किसी वक्ता के दिल से निकलती हो, हृदय से निकलती हो, भाई पोखरा का जो पानी है, तालाब का जो पानी है, वो गंदा हो सकता है, लेकिन स्रोत का पानी, फूटा हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, बासी नहीं होता, सड़ता नहीं है। इसलिए झरने हमेशा तरोताजा रहते हैं। तो जो कथाएं जिनके दिल से फूटती हैं, हृदय से फूटती हैं, भावों के रूप में फूटती हैं, वो अलग बात है कि हमने इतिहास रट लिया और आजीविका का एक साधन बना लिया, और उसी इतिहास को हम कह कह करके यदि हम केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अलग बात हो गई, वो पोखरा का जल हो गया। लेकिन कथा हृदय से निकले, फूटे भावों के रूप में, विचारों के रूप में, वो झरने का फूटा हुआ, पर्वतों से फूटा हुआ झरना है। उसमें कोई कहे कि वही पानी है, ये भूल है, वही पानी हो नहीं सकता। है नित नई पुरानी, झरने में और तालाब में एक अंतर होता है। तालाब में आपने कोई पुष्प छोड़ा और आप दो दिन बाद गए तो पुष्प मिल जाएगा, लेकिन चलते हुई धारा में यदि आपने कोई पुष्प छोड़ा, दूसरे दिन को वही वाला पुष्प मिल जाए तो संभव है? नहीं संभव है। ऐसे ही जिनके हृदयों से कथाएं निकलती हैं, कभी कभी हमसे लोग कहते हैं, महाराज वो फलानी वाली कथा ज्यों की त्यों कह दो, वो फलानी जो कथा आपने वहां कही थी बढ़िया, ज्यों की त्यों कह दो। मैंने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कथा को रटा नहीं है, मैंने उसे हृदय में पहले जैसे अपने ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल तो बोरिंग जब होती है तो पहले उसमें पानी डाला जाता है, पानी डाला जाता है, और बोरिंग में जब पानी डाला जाता है, डालते 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 जब तक डाला जाता है पानी, जब तक भीतर से स्रोत नहीं फूटता है, और जब भीतर से स्रोत फूटने लगता है हैं, तो फिर पानी डालना नहीं पड़ता, फिर तो बस धार चल जाए और बिजली चलती रहता, दे दनादन दे दनादन पानी चलता रहता है। तो पहले ये कथाएं डाली गई माना, लेकिन वो डाली हुई कथाएं जैसे डाला हुआ पानी तो मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट में पूरा निकल जाता है, उसके बाद फिर वो पानी नहीं, फिर नया पानी, नया पानी, नया पानी। धारा तो वही है जिसमें पानी डाला था, लेकिन पानी वो नहीं है। ऐसे ये कथाएं, ये धाराएं, ये भाव हैं। शुरुआत में गुरुदेव ने डाले, संत भगवानों ने डाले हैं, लेकिन डालते डालते स्रोत फूटेगा तो फिर एक नया पानी आने लगेगा, एक नए विचार, एक नए भाव। तो है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी। हमारे चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं भागवत पढ़ता भी हूँ और सुनता भी हूँ और मैं अपने घर पे बुला करके वक्ताओं को श्रवण करता हूँ, ऐसा कई बार कर चुका हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आज का अखबार आज आपने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वो अखबार भी नहीं रहता, उसे हम लोग रद्दी बोलते हैं। क्या कहते हैं? है रद्दी, अखबार भी नहीं कहते, क्या है? रद्दी। क्यों भैया? जब ये भागवत आपने एक बार पढ़ ली तो या रद्दी कह के देखो है? अरे एक बार पढ़ने के बाद दूसरा कोई आदमी ला करके उसे दोबारा तुम्हारे हाथ में दे तो तुम उसे फेंक दोगे? बोले पागल हो गया, सुबह देख लिया बस, दोबारा कभी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो संसारियों की वाणी है और ये ऋषियों की वाणी है। वो सियासत की वाणी है और ये संतों की रियासत की वाणी है। वो संसार के जो जो दिनों रात झूठ सांस में लगे हैं है? उनकी चर्चाएं हैं और ये जिन्होंने आत्म तत्व को जाना, जिसने परमात्म तत्व को जाना, ये उनकी वाणी है। इसमें और उसमें एक अंतर है। उसे हम दोबारा पढ़ेंगे अखबार को तो मूड ऑफ हो जाएगा है? और इसे हम जब दोबारा तिवारा चौबारा अठवारा दस बारा बीस बारा हजार बार पढ़ेंगे तो हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ये अंतर है इसमें और उसमें। क्यों? हे प्रेम की ये गंगा ऋषियों की अमर पानी, हे ज्ञान की ये गंगा मुनियों की अमर पानी। तो जो इस धारा के नजदीक बैठेगा उसे कहीं संतों को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, उसके पास चल चल करके संत जाने कहां कहां से आए। अभी संत भगवान यहां आके बैठने जाने कहां कहां से आए हैं। तो आप जा धारा के नजदीक आकर के बैठ गए हो तो ये अपने आप ही तो आए हैं। ये गंगा की धारा है। आप यहां बैठ जाएं तो दूर दूर के न जाने कहां कहां के संत यहीं आकर के हमें दर्शन देंगे और इन्हीं संतों के दर्शन हमें इस धारा से अलग जाके करने होंगे। तो किन्हीं के जाके आंवलगेड़ा, किन्हीं के आगरा, किसी के उस्मानपुर, किसी के बरेली, किसी के सादाबाद है, इनके जगह जगह जाना पड़ेगा ना। और फिर भी ये मिले मिले न मिले है? और हम यहां आके बैठ जाए। एक आदमी के एक संत थे और कम्बल ओढ़ करके बैठे थे सर्दी में। एक चोर आया और उनके कम्बल को उठा के भागा। संत के पास में एक दो लोग और बैठे थे। जैसे ही वो उठा के उधर भागा, संत उठ के इधर चल दिए। लोग बोले बड़े अजीब हैं, अरे कम से कम आपने दौड़ो तो हमसे को जाए तो यहीं पटक के मार लेंगे हम। हाँ दिन दोपहर चोरी करके गए और आप इधर चल दिए, इधर कहां जा रहे हैं? बोले मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं कहां जा रहा हूं। थोड़ी दूर चले तो वहां शमशान घाट आया और वहां जाके बैठ गए। बोले यहां क्यों बैठे हो? बोले वो कितनी भी लंबी दौड़ लगाए, कितना भी दौड़ ले, अंतिम में एक न एक दिन तो उसे यहीं आना है, तो अपन मुख्य जगह पे आके बैठ गए। अंतिम में तो उसे बिना बुलाए यहां आना ही पड़ेगा।
तो ये जो गंगा का जो तट है, गंगा का जो किनारा है, ये जो पांडाल है, हम यहां के बैठ जाए तो फिर अपने आप संत चल चल करके यहां आएंगे। इस धरती पर दो ऐसे पुत्र हुए हैं जिनका इतिहास में नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। एक तो भागीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा लाए, दूसरे हैं श्रवण कुमार, जो गंगा को लाने की क्षमता तो नहीं थी लेकिन अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा करके गंगा ले गए। क्षमता है तो हम ले आए, और हमारी क्षमता उसे लाने के लिए नहीं है तो अपने माँ बाप को तो हम ले ही जा सकते। ये दोनों पुत्र आदर से और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। लेकिन ये तो प्राचीन हो गए, लेकिन वर्तमान में जो जो व्यक्ति इस कथा की गंगा को लेकर के जो समाज में जगह जगह जाते हैं, जो पहुंचते हैं इस गंगा को लेकर के, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति आज के आदरणीय व्यक्ति हैं। और ये गंगा केवल जो लेकर के आया उसी का कल्याण नहीं करती है, न जाने कितने जीव, जैसे पहले यहां सेवरा में कथा हुई, तो पुरुष तो जाने कहां कहां कथा सुनने चले जाते हैं, लेकिन वहां की मातृशक्ति बच्चियां तो एक ही प्रार्थना करती हैं कि भगवान दोबारा कब यहां आसपास। तो जब इन्होंने नारियल दिया तो एकदम तालियां बजी, गड़गड़ाहट हुई। क्यों? क्योंकि उनके हृदय से इतनी दुआएं निकली कि हम तो नहीं जा सकते थे लेकिन हमारे क्षेत्र के कोई गणमान्य व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति इस गंगा को दोबारा लाएंगे तो हमें 8 दिन नहाने का मौका मिलेगा। हैं? तो न जाने कितनी बच्चियां, कितनी माताएं, कितने बुजुर्ग और कितने पितर लोग, हमारे जो पितृ पक्ष के जो लोग हैं, कितने इसको सुनते हैं, न जाने कहां कहां दृश्य अदृश्य जगत में बैठ करके। तो उस गंगा से ये गंगा कई गुना ज्यादा महत्व रखती है। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की ऋषियों की अमर वाणी। बात चल रही थी कि परीक्षित जी महाराज वृंदावन भी नहीं गए, हरिद्वार भी नहीं गए, बीच में गंगा किनारे क्यों गए? तो इस गंगा के किनारे पर हमें फिर कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता कुछ भी, स्वयं चल चल करके सिद्धियां रिद्धियां कल्याण शांति विकास भक्ति ज्ञान सब खींचे चले आते हैं। और जब परीक्षित जी आए बैठे तो वहां कपिल मुनि देवल ऋषि परीक्षित जी महाराज तो हैं ही, और उन्होंने आकर्षित किए हैं पाराशर जी व्यास जी और अनेकों महात्मा लोग। लेकिन प्रश्न इतना जटिल है कि जन्म जन्मों की जो संस्कारों की और विचारों की जो पूंजी इकट्ठी करी थी वह भस्म हो तब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होगा। अब इतनी जल्दी कोई कैसे मुक्ति को प्राप्त करे, इन कर्मों को नष्ट करे? हनुमान जी है ना, वो रावण के गुरु हैं। और रावण को शिक्षा देने के लिए गए, शायद कुछ नए श्रोता होंगे तो वो चक्कर में भी पड़ गए होंगे कि रावण के गुरु और हनुमान जी
हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन रावण के गुरु हो गए। लेकिन लंका में जब सीता जी को चुरा कर रावण ले गया, जब हनुमान जी गए तो उपदेश करने लगे कि राम चरण पंकज मुरधर हो, लंका अचल राज तुम कर, लंका हनुमान जी ने उपदेश किया रावण को। तो रावण बोला कि देखो देखो भैया, हमें ये बंदर गुरु मिला है और बड़ा ज्ञानी बन रहा है। अरे जिस ज्ञान को ये बखान रहा है उसे तो मैं पढ़ करके छोड़ चुका हूँ। गांव में लोग कहते हैं ना, ये तो हमने पढ़ पढ़ के फेंक दी है, जिन्हें तुम बता रहे हो ये बातें तो हमने पढ़ पढ़ के फेंक दी। ऐसे ही रावण कहता है कि जिस ज्ञान को आज ये बंदर हमें बता रहा है, हमें मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। लेकिन रावण बोला कि तुम असली ज्ञानी नहीं हो। असली ज्ञानी तब बनता है जब आदमी की ममता नष्ट हो जाए, ममता भी बैठी रहे और ज्ञानी भी बन जाए, संभव नहीं है। असली ज्ञानी तब बनेगा व्यक्ति जब उसकी ममता नष्ट हो जाए। और बोले यदि तुम ज्ञान का बखान कर रहे हो तो असली ज्ञानी बनो, तुम न बनो तो हम बनाए दे। बोले बोलो। हनुमान जी बोले कि बना दो भैया, आप ही बना दो, हम तो डोल लेंगे, हमें कोई ज्ञानी बना दे। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, एक काम करो, जा कपि की ममता पूछ पर, इसे कपि की जो ममता है पूछ पर है, तो कि ममता ही में आग लगाओ और ममता में आग लग जाएगी तो ज्ञानी हो जाएगा सच्चा। रावण ने आग लगवाई पूछ में, तो पूछ का तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि ममता संसार के प्रति नहीं थी, ममता परमात्मा के प्रति थी, इसीलिए कुछ नहीं बिगड़ा। रावण से फिर हनुमान जी ने कहा कि आपने मेरी ममता को चेक करके देखा कि असली है या नकली है, या परमात्मा से जुड़ी हुई है, यानी मिथ्या है या ओरिजिनल है। ममता देखी, ओरिजिनल होगी तो जलेगी नहीं, मिथ्या होगी तो जल जाएगी। अब हनुमान जी ने कहा अब तैयार हो जाओ रावण। बोले काय के लिए? बोले अब हम तुम्हारी ममता चेक करेंगे आग लगा के। रावण की ममता लंका में थी। हनुमान जी ने कहा कि तुम तैयार रह जाओ, अब देखेंगे। जब हनुमान जी ने आग लगाई तो लंका का सुपड़ा साफ हो गया। हनुमान जी ने हर व्यक्ति हर बात का जवाब दिया। रावण ने अच्छे नाम रखा तो हनुमान जी ने चेक करके देखा अक्षय है कि छह है, है? तो एक चेक किया तो छह हो गया, नाम ही झूठा निकला। असली सोना जो होता है जलने के बाद राख नहीं होता, कुंदन बन जाता है। लेकिन हनुमान जी ने जब आग लगाई तो कुंदन नहीं बना लंका का सोना, लंका का सोना तो राख हो गया। लेकिन हनुमान जी की पूछ जो थी उसमें एक बाल तक नहीं जला। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की जो पूछ है वह एक वैरागी की पूछ है, और वैरागी की पूछ में कोई संसारी व्यक्ति आग लगाए वो जलने वाली नहीं है। लेकिन वैराग्य अपनी अग्नि से यदि संसारी की ममता में आग लगाना चाहे, रावण की लंका में आग लगाना चाहे, तो एक भी वस्तु बचने वाली नहीं है। इसलिए रहान नगर बसन गृत तेला है, और बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। अच्छा, हनुमान जी की पूछ बच क्यों गई, रावण की लंका क्यों नहीं बची, आग दोनों में लगी? हनुमान जी बड़े होना भी जानते हैं और छोटे होना भी जानते हैं। हनुमान जी अपनी पूछ को बढ़ाना भी जानते हैं और घटाना भी जानते हैं। ऐसे ही भगवान का दास, भगवान का भक्त अपनी ममता को बढ़ाना भी जानता है और सिकोड़ना भी जानता है। भगवान का दास बढ़ना भी जानता है और छोटे होना भी
जानता है, कहां बढ़ना है कहां छोटे होना है ये भगवान का दास जानता है। लेकिन संसारी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति केवल अपनी ममता को फैलाना तो जानता है लेकिन सिकोड़ना नहीं जानता, अपने सिर को उठाना तो जानता है लेकिन झुकाना नहीं जानता। इसलिए उसकी जब आग लगेगी तो जलेगी ही ये ममता, ये प्रवृत्ति, ये प्रपंच, क्योंकि उसने झुकना नहीं सीखा। मैं कहना यह चाहता हूं इस बात से कि परीक्षित जी महाराज अपने भाव से संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए इसका किसी के पास उपाय नहीं है। उसके बाद फिर आए हैं सुखदेव जी महाराज जो बैरागी हैं। ये जितने भी महात्मा बैठे थे इनमें संसार मिक्स था, महात्मा भी हैं लेकिन संसार बैठा हुआ है, इसलिए इनके पास ऐसी आग नहीं है जो परीक्षित जी के प्रपंच को, परीक्षित जी की ममता को जला सके। लेकिन जब सुखदेव आए तो उनके पास ऐसी आग है। गीता में कहा है यथै धांसी समिग्धोग्निर् भस्मसात कुरते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा, जैसे अग्नि का छोटा सा तिलंगा हजारों मन रुई या घास हो सूखी उसे जलाकर राख कर देता है, ऐसे ज्ञान की एक छोटी सी एक किरण कितना भी बड़ा कर्मों का ढेर हो उसे जलाकर राख कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। तो सुखदेव जी महाराज वैराग्य से और ज्ञान से लबालब भरे हैं, वैराग्य की अग्नि है उसके पास। भगवान सुखदेव महात्मा हैं। परीक्षित जी के ऊपर एक बार संकट आया था, अभी मैं सुना चुका हूं थोड़ी देर पहले, गर्भ में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो गर्भ में संकट आया, तो वहां भगवान श्री कृष्ण को उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए गर्भ में प्रकट होकर के सुदर्शन चक्र और एक हाथ में गदा लेकर के, हथियार लेकर के रक्षा करने के लिए आना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, भक्तों की रक्षा के लिए परमात्मा को धनुष बाण उठाने पड़ते हैं, हथियार उठाना पड़ता है, बाण से भगवान रक्षा करता है, परमात्मा रक्षा करता है। लेकिन जब साधकों पर माया आक्रमण करती है, संसार आक्रमण करता है, प्रपंच आक्रमण करता है, तो परमात्मा को तो बाण उठाना पड़ता है लेकिन महात्मा को बाण नहीं, महात्मा तो अपनी वाणी से ही है उसका कल्याण कर देते हैं, उसे आत्मज्ञान करा देते हैं। आत्मज्ञान हो जाने के बाद, बोध हो जाने के बाद, फिर देह पर कोई बात हो अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी बला टच नहीं कर पाती, क्योंकि वह देह को अपने आप से अलग करके समझ लेता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज जैसे उस सभा में आए, सब ऋषि मुनि संत महात्मा खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं और परीक्षित जी तो चरणों में गिर पड़े हैं। चरणों में गिर करके प्रार्थना करी, भगवान आप आ गए हो, अब मुझे लगता है मेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। आपके आने से पहले लगता कि शायद मेरा कल्याण नहीं होगा लेकिन अब जरूर हो जाएगा। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागम, अयम ही परमो लाभो, अयम ही
परमो लाभो नृणाम साधु समा। मेरे भाग खुल गए, मेरा भाग्य जग गया। जो चीज सबसे दुर्लभ है वो आज मेरे सामने प्रकट रूप में खड़ी है। क्या? निर्णाम साधु समागम, महापुरुषों का, संतों का, बुद्ध पुरुषों का समागम, संगति, दर्शन जो दुर्लभ है वो मुझे साक्षात आज प्राप्त है। और मुझे किसी सांप का कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है किसी श्राप का, किसी अभिशाप का। ये साम संस्मरणात् पुंसां सत्यः सुद्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। जिन महात्माओं का, जिन संतों का स्मरण करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाते हैं हम लोगों के, ऐसे महात्माओं का यदि दर्शन भी हो जाए तो कितना बड़ा भाग्य होगा। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि हम संत, आप जैसे संतों का स्मरण करके ही हमारे हृदय पवित्र हो जाते हैं, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दर्शन हो रहा है। और मैं यहां के श्रोताओं से यदि एक बात रखूं कि जिनका स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है, उनके दर्शन भी हो जाए तो, और यदि कहीं उनका स्पर्श भी मिल जाए तो, और उनके भाग्य को क्या कहोगे जिन्हें दर्शन भी, स्मरण भी और स्पर्श भी, और कहीं उन वो ये कह दें कि हम आपके घर पे प्रसाद पाएंगे, यदि उनके आंगन में पांव पड़ जाए, देहरी पे पांव पड़ जाए तो उस आंगन को बैकुंठ भी आकर के प्रणाम करता है। सर इसीलिए तो देवता लोग धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, इसलिए देवता लोग भारत की धरती पर आकर के देह, बहुत सारी देहरी ऐसी हैं जिनमें आकर के प्रणाम करते हैं देवता लोग। वो ऐसे ही आंगन है जहां पर संतों का, ऋषि मुनियों का आगमन होता है। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। भैया परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना करी कि भगवान मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं प्रार्थना करूं। बोले हाँ, कि जो जीव निरंतर मौत के मुख में जा रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, मुझे उपदेश करो। और ये प्रश्न केवल परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया, ये सारे समाज के लिए, सारी धरती के लिए प्रश्न किया। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ऐसा कोई नहीं है जो मौत की तरफ नहीं जा रहा हो। हर कदम मौत की तरफ है, हर कदम मृत्यु की ओर है। तो हम सबका ही ये प्रश्न है, अकेले परीक्षित का नहीं। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज। वरियान एषः ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः। अंग्रेजी में गुड वेटर वेस्ट होता है, ऐसे यहां वर और वरियान यानी जिससे श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। संस्कृत व्याकरण में एक ईशुन प्रत्यय होता है जिसका ईयान बनता है वरियान।
हे परीक्षित, तेरा प्रश्न सबसे श्रेष्ठ है, जो आत्म कल्याण की जिसमें जिज्ञासा भरी हुई है, ऐसा प्रश्न है तेरा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप कृपा करें भगवान। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को अनेकों पहले बैठने उठने का ज्ञान दिया, योग विद्याएं की चर्चा करी और फिर परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन किया, सृष्टि की कुछ बातें बताई, फिर भगवान के 24 लीला अवतारों की कथा सुनाई और सुनते चले जा रहे हैं परीक्षित, न तो पांव हिला रहे हैं, न कमर हिला रहे हैं और न इधर उधर देख रहे हैं, एक टक परीक्षित जी सुन रहे हैं। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इतना बड़ा सम्राट और इतनी लगन से बिल्कुल चूचा किए बिना कथा सुन रहा है और इतनी उच्च लेवल की कथा, ऐसा कैसे हो रहा है। सुखदेव जी ने ध्यान लगाया इसका कारण जानने के लिए, तब उन्होंने जाना कि इनके खानदान में ही इस प्रकार की जिज्ञासा हमेशा से रही है और इनके खानदान में कथा, प्रवचन, सत्संग, संत सेवा हमेशा से रही है, इसलिए ये सुन रहा है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तेरे खानदान में हमेशा से ये प्रवृत्ति रही है, इसलिए तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा है। बोले, मेरे खानदान में? बोले हाँ, जैसे तुम सुन रहे हो ऐसे ही घर परिवार को छोड़कर के तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाबा के काका ने भी कथा सुनी थी। अब परीक्षित चौंक गए, बोले, मेरे खानदान में मेरे बाबा के काका ने घर परिवार छोड़ करके कथा सुनी थी? अब मेरे को तो सांप लग गया, नहीं राजी बाजी से कौन घर छोड़ता है, मजबूरी में छोड़ के आया हूं, तो मेरे बाबा के काका पे ऐसा कौन सा संकट या संकट पड़ा कि उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा? इस बात को भगवान मुझे बताइए। तब सुखदेव जी ने बताया कि एक बार भगवान महाभारत का जब युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके तुम्हारे जो बाबा के जो चचेरे भाई थे कौरव, उनमें जो धृतराष्ट्र थे, वहां शांति दूत बन करके भगवान आए थे। बोले अच्छा, फिर? बोले धृतराष्ट्र ने उनकी बात मानी नहीं, दुर्योधन ने बीच में आकर के कह दिया कि सूचक्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? बोले बात क्या किया जाए, उनमें दम होए तो वे ले ले, ऐसे देने वाला नहीं, युद्ध कर ले या फिर आराम से रह जा रहे ना। भगवान ने कहा ठीक है भैया, मैं चलता हूं, उनको आपकी सूचना दे दूंगा। जैसे भगवान चलने लगे ना, तो पीछे से शकुनी ने इशारा किया दुर्योधन को कि इसको कृष्ण को पकड़ ले और इसको कुछ खिला पिला दे जिससे कि ये अपनी तरफ आ जाए, ये बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, इसके पास बड़ी शक्तियां हैं, यदि ये अपनी तरफ आ गया तो काम बन जाएगा। लेकिन शकुनी ने यह कहा था कि इनको खिला पिला के कुछ अपनी तरफ कर लो। अंतर इतना आ गया कि पहले खिला पिला के लोग अपनी तरफ करते थे व्यक्तियों को, और अब तो आप जानते ही हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग एक बात है, समझते बहुत एडवांस हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आज खिलाने पिलाने से आदमी बनता नहीं है, इसलिए फिर आदमी को खिलाना पिलाना नहीं, पिलाना खिलाना पड़ता है, अंतर पड़ गया थोड़ा सा। जैसे दुर्योधन ने पकड़ा दुपट्टा भगवान का, भगवान ने देखा कि भाई क्या बात है, बोले देखो आप दूत बनकर के संदेशा लेकर के आए, आपने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन आप हमारे अतिथि हो, कम से कम हमारे यहां कुछ जलपान तो करो। भगवान ने कहा
यदि मैं अतिथि होता और ये शब्दों में जो तुम्हारे हैं वो मन में भी मेरे प्रति भाव होता तो मैं केवल जलपान नहीं करता, मैं सब कुछ करता। लेकिन केवल शब्दों में तुम्हारे में अतिथि हूं, हृदय में मैं तुम्हारे अतिथि नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकता। तो पहले जिस पक्ष में द्वापर के अंत तक भी ये रहा, और मैं कहूं तो द्वापर के अंत तक नहीं, कलयुग में भी आज से हमारे बड़े बूढ़े जब कथाएं बातें पुरानी सुनाते हैं तो आज से 50-100 साल पहले तक ये परंपरा रही कि हम जिसके विरोध में हैं तो उसका नमक नहीं खाते, हम जिसके विरोधी पार्टी में हैं तो हम उस पार्टी का नमक नहीं खाएंगे जिसके हम विपक्ष में हैं। यदि हमने उस पार्टी का नमक खा लिया तो फिर हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। ये 100 साल पहले तक भी रहा और 50 साल पहले तक भी रहा। अभी हमारे चौधरी साहब बड़े बूढ़े हैं, इनके जमाने तक भी ये रहा होगा, लेकिन अभी 15 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर ऐसा आ गया कि दोनों पार्टियों का नमक खाना है और वोट तो तीसरी में जाके दे देना है। भाई मिल, इधर से भी मिल रहा है तो ले लो, क्या इधर से भी मिल रहा है तो ले लो, अब वो तो जहां हमें देना है वो तो हम देंगे। ये 15-20 साल में बेहद परिवर्तन हो गया। भगवान ने कहा कि भाई मैं तेरे पक्ष में नहीं रह सकता, इसलिए मैं तेरे यहाँ का जल पान भी ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? यदि मैंने तेरा नमक खाया तो मैं फिर तेरा पक्ष में न रहा तो मैं नमक हरामी कहा जाऊंगा, इसलिए मैं तेरा जल पान ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, और वहीं पर काका विदुर थे, उनसे कहा अरे काका हैं क्या? उन्होंने हाथ खड़ा किया, बोले हाँ ये विदुर है ना, उस खानदान के दासी पुत्र हैं, और ये जो दुर्योधन है ना ये युवराज है। कहाँ विदुर जी और कहाँ ये दुर्योधन? दुर्योधन की मेवा को, मिष्ठान को, भोगों को ठोकर मारी और आवाज लगाई अरे काका मेरे विदुर काका है क्या? बोले हाँ काका, मुझे भूख लगी है और मुझे आपके घर बैठ के कुछ प्रसाद पाना है। काका की तो आंखें छल छल आई कि मेरे घर पे भगवान? बोले हाँ काका, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। काका मुझे आपके आंगन में बैठ के कुछ दो रोटी खानी है। विदुर जी की तो वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान बहुत इंतजार था कि कोई दिन ऐसा आएगा कि मेरे घर में, मेरे आंगन में परमात्मा स्वयं ये कहेगा कि मुझे प्रसाद लेना है। केशव मैं ही नहीं, तुम्हारी काकी भी है ना, बहुत दिनों से बस एक ही बात पूछती थी कि मेरे आंगन में कभी केशव आएंगे, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन आज उसकी भावना साकार हो गई है। चलो तो भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही पहुंच गए, काका जी थोड़े पीछे रह गए और जाकर के कुंदी खटखटा दी और कहा ए काकी, ए काकी। अब काकी स्नान कर रही थी, जैसे ये आवाज सुनाई दी, और विदुर जी ने पहले ही बता रखा था कि परमात्मा हमारे रिश्ते में ही, हमारे संबंधों में ही प्रकट हो गया है और हम उसके काका लगते हैं। किसी दिन आया तो वो इस आवाज में बोलेगा तू कहीं धोखे में मत रह जाना, है अच्छी तरह सेवा कर लेना। अब ये आवाज जैसे ही सुनी तुरंत तो विदुर जी की बात ध्यान आ गई, एकदम
किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, अब क्या करूं, अचानक से ऐसा हो जाए अब क्या करें। एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले सोचने लगी कि अरे मेरा घर तो ऐसा पड़ा है, यहाँ तो कोई झाड़ू बुहारी भी नहीं हो पाई, भगवान को कैसे बिठाऊंगी। दरवाजे से लौट पड़ी, झाड़ू की तरफ जा रही थी, अचानक समझ में आई, दिमाग में बात आई कि अरे इतनी देर में झाड़ू लगाऊंगी तो गेट बंद रहेगा, भगवान बाहर ही खड़े रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते वो परेशान हो जाए तो लौट के चले जाए, फिर मेरा झाड़ना भी बेकार हो जाएगा। तो सोचा पहले चलो गेट खोल दें। दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे थोड़ी देर पहले ही फिर सोचने लगी कि झाड़ू तो नहीं लगाए पर कछु बिछाए तो दें पहले, हैं? फिर लौट पड़ी। अब क्या हुआ, बाहर से भगवान ने आवाज लगाई, काकी, ए काकी, अरे जो कछु सोच रही हो कर रही हो ता बाद में कर लियो, हम बाहर खड़े हैं, कम से कम भीतर तो दरवाजा खोल के हमें ले ले। तब फिर बेदरानी ने सब काम छोड़े और सीधे दरवाजे पर पहुंची, और दरवाजे पर पहुंच करके जैसे दरवाजा खोला सामने भगवान खड़े थे, कितने दिनों से जिसका इंतजार था, और डूब गई भगवान में। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। भैया बहुत देर तक दरवाजा खोलने के बाद टकटकी लगा करके देखती ही रही भगवान को। काफी देर जब हो गई तो भगवान ने कहा, काकी दरवाजा खुला था बंद था तब भी हम तो बाहर थे, और खुल गया तो भी हम तो बाहर ही हैं, हमें तो कोई फायदा, अंदर तो हमें कोई ले ही नहीं जा रहा। तो ध्यान आया कि अरे हम तो यहीं देखने लग गए, हैं? होश में आई तब अंदर लेके गई कि आओ आओ आंगन में, आंगन में जाकर के फिर खड़े कर ली और फिर देखने लगी। जब बहुत देर हो गई तब फिर भगवान ने कहा कि काकी हम बाहर थे तो भी खड़े थे और अंदर आ गए तो भी हम तो खड़े के खड़े ही हैं, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। फिर होश आया, अरे रुको रुको मैं अभी गई और अभी कुछ बिछाने को लाती हूँ। अंदर जाकर के विदुरानी पीढ़ा लेकर के आई, लेकिन पीढ़ा को सीधा नहीं बिछाया, कैसे बिछाया, उल्टा पाए ऊपर और बुना हुआ नीचे। भगवान बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, हैं? सीधा बिछा देती तो हाथ को कुछ टेका नहीं बन पाता, उल्टा इसलिए बिछा दिया कि पाए से कम हाथ तो टेक लेंगे हम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भयाम्यहम्। भगवान जैसे के लिए तैसा हो जाता है, भगवान जैसे को तैसा बन जाता है। एक बार तो भागवत की कथा में आगे आएगा कि गोपी से नोक झोंक हो रही है, तो गोपी कह रही है, लाला न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, अब बताओ जो वेदों का भी वेद है, उपनिषदों का भी उपनिषद है, ज्ञान का भी ज्ञान है, और वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ गोपी तू ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि न तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उल्टा पीड़ा बिछा दिया और फिर भगवान में डूब गई, देखने लगी। काफी देर हो गई, भगवान ने कहा, काकी हम तो बाहर थे तब भूखे थे और अंदर आ गए तो भूखे के भूखे ही हैं, अंदर आवे थे हमें तो कोई फायदा भयो नहीं।
अच्छा जब भूख लग रही होए तो फिर न तो कहो कि पूजा अच्छी लगे, न कहो को तिलक अच्छा लगे। जैसे हम कथा के बाद हमें भूख लगती है, फिर कुछ लोग पहले पानी लांगे प्लेट में धर गए, आंत पी तो फुक जाते भीतर थे, कभी पानी लेके आया बता। और कछु लोग आरती उतारेंगे, तिलक लगाएंगे, फूल माला डारेंगे, और कहना सकते आगे लगाया था जिन्हें आरती नंबर फूल नंबर जिन पहले कछु। अब भगवान को तो भूख लगी है, भगवान तो कह रहे हैं का की हमें भूख लगी है, का की अपे लगी है, देख वे में देख। भगवान ने कहा काकी जल्दी ते कछु खाए खुला। एक बात आपने देखी होगी कि बालक की कहूं पिटाई है जाए, आपस के मित्रों में छोटो से बालक हो, कहूं लड़ाई है जाए पिटाई है जाए, तो जहां पिटाई भाई वहां नहीं रोता है, घर पे आ जाएगा फिर मम्मी से जब शिकायत करेगा और शिकायत करते करते फिर रोता है। अब मार परी माँ और रो रो यहां, कोई पूछे कि यहां क्यों रो रहा है, क्योंकि वहां उसके रोने को भी कोई सुनने वाला नहीं था, यहां कोई कम से कम रोने को सुनने वाला तो है। ऐसे ही हनुमान जी जब लंका गए तो पूरे रास्ते में कहीं नहीं कही कि भूख लगी है भूख लगी है, क्योंकि कोई मिला ही नहीं खिलाने वाला, जो मिले सो खाने वाले मिले, क्या खा जाएंगे खा जाएंगे। लेकिन जैसे अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा माँ हमें भूख लगी है। सीता जी ने पूछा इतना लंबा रास्ता था, कहीं कोई ढाबा के कोई होटल के कोई रेस्टोरेंट है कुछ मिला नहीं? बोले मिले तो बहुत, पर बिना देख के भूख भाग गई हमारी खुद की, कि जो जितने देवे सब हम ही खावे दौड़े है। तो जहां भाव होता है ना माँ भूख नहीं लग रही हो तो भी भूख लग जाती है, और जहां भाव नहीं होता ना माँ भूख लग रही हो तो देख करके भूख भाग जाती है। आपके क्षेत्र में वो पुआ होते हैं ना, खीर पुआ, तेरहवीं होती है ना, तो खीर पुआ होते हैं और आलू को साग रसा वाला। अच्छा उसे लोग बड़ी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं और बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन परसवे वायने में यदि कोई जानी दुश्मन आ जाए और पुआ पस जाए तो खून जल जाए, होगा नहीं जल जाए, फिर पुआ अच्छा नहीं लगेगा, वो सामने पड़े ना जाते दुश्मन ही चल रही है। तो कुछ लोगों को देख करके भूख जग जाती है और कुछ लोगों को देख करके भूख भाग जाती है, हैं? तो जहां भाव होता है ना वहां भूख जग जाती है, और जहां भाव नहीं होता है वहां भूख भाग जाती है। काकी हम तो भूखे हैं और तू देखने में लगी है। हाँ हाँ है, मैं अभी लाई। अंदर गई सो केला रखे थे, अब केला लेकर के आई और इतनी भाव में मगन है कि केला ले ली और बोली भगवान मैं अपने हाथ से खिला दूं आपको? बोले हाँ। तो केला नुकाने लगे, अब केला नुका करके वो गूदा था वो तो फेंक दिया और जो छिलका था ना वो भगवान को खिला दिया। दूसरा लिया, गूदा इधर और छिलका अंदर, गूदा इधर और छिलका अंदर। पूरे जितने भी जो 10-15 जो केले थे ना सबका छिलका तो भगवान के पेट में, गूदा का लगा बाहर ढेर। इतने में बिदुर जी आए गए और बिदुर जी ने आकर के दोनों को देखा, दोनों एक दूसरे में डूबे, भक्त भगवान में और भगवान भक्त में डूबे हुए। और आकर के जैसे हिलाया कि अरे पागल, ए पागल, बिदुरानी को होश आया। बिदुर जी बोले देख तूने पूरा स्नान भी नहीं किया, तेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, हैं? और तू भगवान के सामने बैठी है, मैं कितने दिन से कहता रहा कि कहीं गड़बड़ मत कर देना गड़बड़ मत कर देना, सो आखिर तैने जिसकी मना करते तो वही काम कर दिया। उसे होश आया तो वो शर्म के मारे अंदर चली गई। बिदुर जी ने देखा कि जो गूदे का ढेर लगाया और छिलका कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा, जबकि दिखने चाहिए थे छिलका और गूदा नहीं दिखना चाहिए था, ये क्या हो गया? लेकिन बिदुर जी पागल तो देने ही एक मिनट में समझ गए कि ये गड़बड़ हो गया।
लेकिन फिर भी औपचारिकता से पूछा विदुर जी ने भगवान से कि केशव ये गूदा ही गूदा दिख रहा है, छिलका कहाँ गया, ये छिलका कहाँ गया। भगवान ने कहा जहां काकी ने मनिया डर किया वहां पहुंच गया, लेटर बॉक्स में हम क्या करें। भगवान पागल है वो, तो दिमाग बिल्कुल है ही नहीं। और वैसे सही बात बताएं, ये भक्ति जो है वो दिमाग का विषय ही नहीं है। जहां से दिमाग की सीमाएं खत्म होती है ना, वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जहां से आदमी की ये कुटिलताएं, ये चालाकियां, ये होशियारियां, ये मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है, ये भक्ति वहां से ऊपर शुरू होती है। केशव, उस पागल ने सब गड़बड़ कर दिया, क्षमा करना, बुरा मत मानना। भगवान भीतर ही भीतर सोच रहे जी कहा जाने बुद्धिमान कि जो काकी के छिलकों में जो स्वाद आया है ये क्या जाने। केशव, मैं आपको गूदा खिला दूं? हाँ, आप गूदा खिला दो, काकी ने कुछ और खिलाया, तुम कुछ और खिलाओ, दोनों मिक्स होकर के बढ़िया हो जाएगा। विदुर जी ने गूदा खिलाया, लेकिन विदुर जी एक बात पूछने लगे कि भगवान एक बात बताओ, बाकी छिलका में ज्यादा स्वाद हो के मेरे गूदा में। अब बौद्धिक दृष्टि से तो कन्फर्म है कि गूदा स्वादिष्ट होता ही है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि नंबर तो मेरा आएगा वाहवाही में। लेकिन प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भैया, गूदा को खिलाने के बाद जब विदुर जी ने पूछा कि स्वाद किस में ज्यादा आया, तो कन्हैया ने कहा काका बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। बोले क्यों? स्वाद छिलकों में था वो तेरे गूदे में ना, मैं तो भी दो रानी के छिलके तक खा गया। उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोला बन भागया, भीलनी का मुझे भोला बन भागया।
स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। विदुर जी ने कहा कि हमारो गूदा स्वाद नहीं दे रहा, वह के छिलका वा पागल के छिलकन में तुम्हें स्वाद आया है? और हमने गूदा खिलाया तुम्हें उसमें स्वाद नहीं आया? काका बात गूदे की और छिलके की नहीं है। तो बोले बात भाव की है। अच्छा जाको मतलब पागल के छिलका में बहुत भाव हो, हमारे गूदा में कोई भाव भाव ही नहीं रहे हो? बोले नहीं नहीं काका ये बात नहीं है, आपके गूदे में भी खूब भाव है। बोले फिर मेरे छिलके मेरे गूदे में स्वाद कम कैसे हो गया, वह छिलका में स्वाद कैसे बढ़ गया? तब भगवान ने कहा काका काकी के जो छिलका थे ना उसमें कहीं से भी बुद्धि नहीं लगी थी, चतुराई नहीं थी, शुद्ध भाव था। लेकिन आपके जो गूदा में आपकी बुद्धि घुसी हुई है, आपकी चतुराई घुसी हुई है, आपका मैनेजमेंट का जो दिमाग है ना वो सब लगा हुआ है और इससे भाव थोड़ा हल्का पड़ जाता है। भावना हो वो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेढ़ा पार है। भावना हो भावना बेकार। काका मैं यदि वस्तुओं को देखता, जाति को देखता, रूप और रंग को देखता, दौलत को देखता तो फिर मैं भगवान ही कैसा रहता? मुझे इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोले तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। Oh, yeah.
हरि व्यापक समान। भगवान प्रेम से या भाव से मिलता है और भगवान की प्रसन्नता भी, लेकिन प्रेम कहां मिलता है? अब ये बैनई की जो हाट है, यहाँ हाट लगती है, उसमें भैंस मिलती होंगी, बैल मिलते होंगे, पड़ा मिलते होंगे, ऊंट भी आते हैं क्या? ऊंट नहीं आते हैं। तो जो भी है, यहाँ की हाट बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन ये हाट अब तक जो है केवल पशुओं की थी, अब इस हाट में 8 दिन के लिए प्रेम भी मिलेगा। अब ये सच्ची हाट बन गई है। इस दुनिया की जितनी हाटें लगती हैं, जितनी पेंट लगती हैं, उनमें सब कुछ मिलता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। और परमात्मा बिना प्रेम के नहीं मिलता। हाटों में प्रेम नहीं मिलता और परमात्मा बिना प्रेम के नहीं मिलता। लेकिन आज ये हाट है ना, आज के बाद सच्ची हाट हो गई है, जहां भौतिक सामग्री भी मिले और जहां आध्यात्मिक सामग्री भी मिले। लेकिन अंतर इतना है कि और जो चीजें मिलती हैं वो तो मोल भाव करना पड़ता है, हैं? यहाँ बैठ बातें बात कर, जाते बात कर। लेकिन इस हाट में अब 8 दिन आप आओगे तो मोल भाव कुछ नहीं करना, आके बैठ जाओ, केवल झोली भर करके ले जाओ। काहे की प्रेम की, भाव की, श्रद्धा की। प्रेम से प्रगट हाहि में जाना, हरि व्यापक सर वत्र समान। राम ही केवल, इसमें जो केवल शब्द जुड़ा है ना, वो ये कहता है कि प्रेम के साथ साथ में और कछु प्यारो हो सो नहीं है। हमने अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी हैं कि भगवान को 56 भोग प्यारा है, कि भगवान को फूल बंगला प्यारा है, कि भगवान को ये प्यारा है, कि भगवान को ये प्यारा है। ना, वो हमको खुद को प्यारा लगता है, इसलिए भगवान पे धूप देते हम। गावन में कहावतिया के घर के खीर खाए और देवता बोलो भलो माने, हैं? हमें खीर खानी होती है और देवता खुश करता है कि भगवान आपके मारे बनाई हमन तो भोग है, वो बातें बची कुची सब अपने ही ले, हैं? तो इन सब चीजों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। इन सब के पीछे भाव कितना छुपा है, प्रेम कितना छुपा है। इसलिए केवल शब्द दिया कि राम ही केवल प्रेम पिया, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।